गजब की चाहत है, गजब का हुजूम है। आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, एक जिला है भदोही, कारपेट की नगरी कही जाती है, प्रदेश और देश में भदोही नाम का मोहताज नहीं है। भदोही को पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है और कारपेट का बिजनेस देश में ही नहीं विदेश में होता है। आज हम जा रहे थे, एक विधानसभा पड़ता है औराई, और औराई से होते हुए जब जा रहे थे तो मेरी मुलाकात करने को हुई भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में पूरे भदोही में ही नहीं बल्कि कई जिलों में इस समय चर्चा के विषय बने हुए हैं, और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था लेकिन टिकट दे करके वापस भी लिया। तो जरा इन मैं भारतीय जनता पार्टी और भदोही के जिले की कहानी अमित सिंह की जुबानी हम अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहा हूँ कि क्या वाकया हुआ, क्या सच्चाई हुई, क्या घटना घटी और किस तरह से जिला पंचायत में क्रम को बदला गया। तो अमित जी थोड़ा उड़ जाइएगा, आपका सर हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले जिला पंचायत बनने के लिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ, लेकिन एक सबसे प्रथम चीज मैं यह पूछना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या, किस तरह से आप राजनीति में आए सर? राजनीति में आने का हमारा एक ही मकसद है कि हम जितने भी विकास के कार्य हैं उसको जमीन पे ला सकें, क्योंकि हमारे भदोही में जिला पंचायत की योजनाएं जितनी भी रहती थी कभी आज तक जमीन पे नहीं आ सकी, वो मात्र हवा में रही। बस हमारा एक ही लक्ष्य था कि युवाओं को अपने साथ में लेते हुए। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता तो हम शुरू से रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हम जनवरी से हुए हैं। सर ये आपका पहला चुनाव है? जी। और पहला चुनाव में ही जीत आपने हासिल किया, इस पर किसका सपोर्ट है सर, मतलब किस तरह से आपने जीत हासिल की? इसमें जीत हासिल करने में किसी की सपोर्ट या किसी का वो नहीं रहा, इसमें जनता ने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया है और इतना प्रेम स्नेह दिया है, हम उनके आभारी हैं। सर आप उत्तर प्रदेश में एक चर्चा के विषय हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर टिकट दिया था लेकिन टिकट वापस ले लिया गया, कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? नहीं, ये संगठन का विषय है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये संगठन का निर्णय था, जो भी निर्णय रहा संगठन का उसे हम सब मान्य करते हैं। आगे की कुछ रणनीति, आगे का कुछ योजना आपका होगा सर? आगे जो पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा उस पर कार्यरत रहेंगे। सर भारतीय जनता पार्टी में सबसे आपका आइकॉन कौन है, कौन लोकप्रिय है आपके लिए पूरे इंडिया में? मोदी जी। मोदी जी के विचारधाराओं से आप सहमत हैं? हाँ, उनके विचारधाराओं से बिल्कुल सहमत हैं। कुछ प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को क्या आप बताएंगे हिंदुस्तान के दर्शकों को, हिंदुस्तान के लोगों को? प्रदेश और देश की उपलब्धियों को बताने की जरूरत नहीं, वो जमीन पे दिख रहा है। 2022 में क्या स्थिति होगा सर? 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। आपका रोल क्या होगा भदोही में? भदोही में जो पार्टी हमको दिशा निर्देश करेगी उस रोल में हम खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। अमित सिंह की जो बात रही बड़ी दिलचस्प है बात, इनका कहना है कि संगठन ने मुझे टिकट दिया था और संगठन ने वापस लिया, संगठन ने मुझे यहाँ तक बढ़ाया है और संगठन का जो दिशा निर्देश होगा मैं आगे काम करता रहूँगा, लेकिन जनता से कभी पीछे नहीं हटूँगा। रही बात, मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ, जनता के साथ मैं रहा था और जनता के साथ मैं रहूँगा, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत बड़ी पार्टी है और मोदी जी की विचारधारा पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में प्रासंगिक है, ऐसा कहना है अमित सिंह जी का। और इन्होंने एक बात और बताया कि 2022 में भाजपा सरकार ही नहीं बहुमत की सरकार बना रही है और मुझे जो है कार्य मिलेगा मैं बखूबी निभाऊंगा और मैं यह दिखाऊंगा कि एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितना बड़ा तत्पर होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।